आप लोग तो जो भी पूछे ठीक ही पूछे, लेकिन अभी जो वर्तमान में राशन कार्ड का हो रहा है जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की जो सरकार रही है, और यहाँ जो गरीबों को योजनाओं के जो चलाए हैं, पूरे पूरे हमारे भारतवर्ष में एक छत्तीसगढ़ ही ऐसा है जो उन्होंने एक खाद्य बिल ला के पूरे करके दिया। और ये भी नहीं, यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र में सरकार ने मजदूर कार्ड बना के उनका भी गरीबी रेखा का कार्ड दिया। और मैं तो ये सरकार का जो अभी सरकारी उसके लिए मैं कहना चाहिए सरकार के विरोध में ही बोलूँगा, इसलिए बोलूँगा कि बहुत सारे जो सरकार ने जो वितरण की है, जैसे मोबाइल है, वो आज भी इतने सारे पड़े हुए हैं, चरण पादुका है, टिफिन योजना, ये सारे पड़े हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को उसको नहीं, अगर भाजपा सरकार की ऐसे नहीं बंटवारा, तो उनका बहुत बड़ा ये गलत निर्णय है। अरे अगर उनको बांटना है तो अपना फोटो लगवा के बांट दे भाई, लेकिन आप जनता जी, अरे जनता का पैसा है, कम से कम उनको तो मिल जाएगा, और उतने सामान जो सब बेकार हो जाएगी वो ठीक नहीं है। अच्छा, राशन कार्ड में आप क्या त्रुटि देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? क्योंकि राशन कार्ड में जो त्रुटि हुआ है वो सीरियल हिसाब से दिए हैं हम लोग। अब कहीं पे एक से अगर एक वार्ड में अगर एक से लेकर 500 का कार्ड बना तो सीरियल हिसाब से बना नहीं है, कहीं एक से लेकर 50 है तो कहीं पे फिर 50 से लेकर 100 तक का गायब हो गया है, और कहीं पे फिर 200 चालू हो रहा था, फिर 300 तक गया है। तो उसमें आदमी को बहुत परेशानी हो रही है, काफ़ी यहाँ से वहाँ आदमी जा रहे हैं। अगर इन लोग इसको उचित मूल्य की दुकान से किए रहते तो उसका किसी जनता को परेशानी नहीं होती। अभी जनता को काफ़ी परेशानी है, एक बार सुबह जो आ रहा है वो शाम के लौट के जा रहा है। अच्छा,